चेसिस का बेस फ्रेम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। सर ये है हमारी बस की बॉडी, जो हमारी इलेक्ट्रिक बस है। क्या कॉस्टिंग आती है सर अगर हरियाणा रोडवेज की बस की बात करें तो? अप्रोक्सीमेट 4 लीकेज चेक करते हैं अंदर वाटर लीकेज नहीं होनी चाहिए। सुनील मित्तल जी के साथ और ये पीएमआई में प्रोडक्शन हेड है। तो सर अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए हमें। एक मैंने सुना है कि लद्दाख में आप ही फर्स्ट हैं जिनकी बसेस जा रही हैं, तो थोड़ा सा बताइए सर। हेयर वी एस्टेब्लिश्ड पीएमआई कोचेस फर्स्ट इन 2010, बट रिसेंटली लास्ट 5 ईयर वी हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रिक बसेस एंड दिस ईयर वी हैव कंप्लीटेड 1000 बसेज इन द मार्केट एंड वी हैव डिलीवर्ड इन मैनी स्टेट्स इन इंडिया लाइक लद्दाख, कलकत्ता, सूरत, गुजरात एंड दिल्ली, केरला एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन किलोमीटर वी हैव कवर्ड दीज बसेज। लास्ट मंथ वी हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड 1 ऑर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज 700 बसेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज। ओके ग्रेट, तो चलिए आप चलते हैं सर के साथ और आपको पूरा इनका प्लांट विजिट कराते हैं कि जो हमारी बसेस होती हैं वो कैसे बनती है। आइए, ये अपना अलग अलग सेक्शन है। दिस इज़ क्यूए एंड दैट इज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड हेयर ITMS। इलेक्ट्रिक बसेस का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ये हमारा चेसिस का बेस फ्रेम सबसे पहले यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा बॉडी ऑन फ्रेम होता है तो ये हमारा फ्रेम है, बेस फ्रेम बॉडी को रखा जाता है। अच्छा ये भी तीन, अच्छा क्योंकि बड़ी है इसलिए। हाँ, कार में सिंगल होता है? कार में सिंगल 3 पार्ट्स में है। दिस इज मिडिल फ्रेम। मिडिल फ्रेम एक्चुअली दूसरे स्टेज बनता है, ये फ्रंट और ये वहाँ पे रियर बन रहा है हमारा। अच्छा ये पेंट शॉप एरिया है? ये पेंट शॉप एरिया है पूरा। और ये देखिए बस के अंदर जो राउंड होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो चिपकाया जाता है ऊपर, वो ऐसे लगाया जाता है। ये क्या स्टील का प्लेट होती है? एल्युमिनियम शीट है, एल्युमिनियम शीट है। इसके अंदर से पेंट करते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रिक के लिए है। ये CNG बस है। अच्छा ये दिल्ली के लिए? हाँ दिल्ली। वो सूरत है? ये सब सूरत का है। रेड वाली, वाइट वाली, ये एक प्रोटो बस है, अभी चल रहा है इसका। ये है हमारी बस की बॉडी, जो हमारी इलेक्ट्रिक बस है और इसके नीचे हमारा पूरा वो चेसिस वाला पार्ट आ जाएगा और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो बैटरी हमारी लगती है बसेस में, वो नीचे के साइड पे लगती है? हाँ, बैटरी साइड में लगती है। एक बैटरी इधर है। अच्छा अलग अलग जगह पर? राइट। हाँ दो यहाँ पे लगेगी, 4 और 5। और सबके कनेक्शन सीरीज में है? सीरीज में। इतना इधर उधर इधर उधर से पूरा वायरिंग होता है उसका। ये बैटरी लो वोल्टेज बैटरी है। ये तो पेंट शॉप है, पेंटिंग का काम। ये भी इलेक्ट्रिक है? नहीं। अच्छा वो जो हमारी चेसी थी उसके ऊपर आपने बॉडी को फिट कर दिया है, वो काम चल रहा है यहाँ। किलोवाट का पावर मोटर है ये, जो हमारे बसेस में लगता है। कुछ नहीं है, बैटरी कितनी भी हो सकती है, मोटर हमेशा एक है। या मोटर हाँ, भी हमारी नहीं, बैटरी तो क्या है हमारा कितना गाड़ी रेंज। हाँ रेंज के लिए रहता है वो तो। पहले हम 4 बैटरी यूज करते थे। हाँ। लेकिन रेंज बढ़ाना था तो हमने 5 बैटरी है। अभी 12 मीटर बस है उसमें 6 बैटरी यूज करते हैं। ये 9 मीटर बस ही रहे। ये इलेक्ट्रिक है? ये इलेक्ट्रिक, ये रफ इलेक्ट्रिक बैटरी है हमारी, वो इलेक्ट्रिक बस है हमारी, रफ कंडीशन है। जो हमने आपने फर्स्ट स्टेज में देखा था ना, फ्रंट रियर और मिडिल फ्रेम बनाकर, उनको यहाँ पर पूरा कंबाइन करते हैं हम। ओके। ये अपना कॉम्बिनेशन फिक्सर है स्पेशली इलेक्ट्रिक बस के लिए। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन फिक्सर? कॉम्बिनेशन फिक्सर। सारे चेसिस आपने लाके रख दिए हैं और उसके ऊपर बॉडी है? फ्रंट नहीं नहीं बॉडी भी अलग है, फ्रंट रियर रूफ सब यहाँ कंबाइन करते हैं, सारी चीज़ें लाके जोड़ देते हैं।
यहाँ पर आप ऊपर खड़े होके सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, जब आप फिक्सिंग वगैरह करते हैं तो ऊपर वाले पार्ट्स के लिए कैसे कैसे आप काम करेंगे वो सब चीज़ों का एडजस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। सर यहाँ पर क्या करते हैं आप वर्कर? ये तो जस्ट वैसे मेंटेनेंस के लिए मेजर काम यहाँ नीचे ही होता है कॉम्बिनेशन का, और जो ऊपर का करना है वो यहाँ से कर लेते हैं। हाँ सही बताया मैंने। सनरूफ है इसमें? सनरूफ नहीं, ये एस्केप हैच होता है ये। ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ये इमरजेंसी के टाइम पे वो एग्जॉस्ट निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए एस्केप है। कैसी बसेस खड़ी हैं यहाँ पे? ये हमारा इलेक्ट्रिक का चेसिस फ्रेम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके। फ्रंट रियर और मिडल को यहाँ पर कंबाइन करके तब आगे यहाँ फीड करते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये 1, 2, 3 ये सब बन चुके हैं। ये सब रेडी हैं? रेडी हैं। सर एक दिन में आपकी 10 बसेस आप रेडी कर देते हैं, मुझे बताया मैम ने ना, 10 इलेक्ट्रिक बस आप रेडी कर देते हैं। और वो हरियाणा रोडवेज की वो कितनी रेडी कर देते हैं? वो भी 6-7 करते हैं डेली। वो भी 6-7 हो जाती हैं? क्या कॉस्टिंग आती है सर अगर हरियाणा रोडवेज की बस की बात करें तो? एक बस कितने की होती है अप्रॉक्सीमेटली? 30 लाख, 30-40 लाख। 30-40 लाख। और इलेक्ट्रिक कितने की होती है हमारी? इलेक्ट्रिक एक हमारी 80 लाख, 9 मीटर 80 लाख। अच्छा। एंड 12 मीटर 1.25 करोड़। वो सारा इशू इसलिए कि वो आयन बैटरी हम लोग लिथियम आयन बाहर से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है। 40% कॉस्ट बैटरी का ही है ना, मगर 1 करोड़ का बस है तो 40 लाख बैटरी का। 40 लाख। ये वो शीट है जो बस के अंदर लगा रहे थे आप? अंदर बाहर सब जगह लगता है। सही है। ये जीआई शीट है? ये जीआई है, गैल्वेनाइज्ड शीट होती है, आयरन की है, मतलब आयरन के ऊपर जीआई की कोटिंग होती है जिससे कि रस्ट ना लगे। ओके। जो बस की मैन्युफैक्चरिंग है वो नॉर्मल बस और इलेक्ट्रिक में सेम ही होता है सब कुछ? बॉडी सेम है, हम कुछ डिफरेंट कर देते हैं? बॉडी तो सेम है, बॉडी सेम, वो चेसिस का ही डिफरेंस है जो भी है। ट्रीटमेंट एरिया जो ये आयरन का जितना भी बार वगैरह आता है इनके ऊपर रस्ट लगा होता है, तो यहाँ पर डी रस्टिंग करते हैं एक बार, मतलब उस पर डी रस्टिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो फील्ड में आगे जाके रस्ट लग जाएगा। तो 9-10 प्रोसेस होता है इसका डी रस्टिंग करने। ये शावर लीकेज चेक करते हैं, अंदर वाटर लीकेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब बस वॉश नहीं हो रही, लीकेज टेस्ट हो रहा है? लीकेज टेस्टिंग होती है, अंदर एक ड्रॉप भी पानी नहीं आना चाहिए। तो ये 15 मिनट का एक टेस्ट होता है, 100% टेस्टिंग होती है हर बस के ऊपर। ये पानी रिसाइकल होता है? रिसाइकल, तो कोई वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं है, ये सब रिसाइकल होके दोबारा फर्दर यूज हो जाएगा। तो दोस्त ये थी फाइनली हमारी पीएमआई की फैबुलस टीम, जो सब लोग मिलके एक टीम वर्क में बहुत अच्छे से काम करते हैं। पूरा प्लांट हमने इनका विजिट किया, हमने इनका इलेक्ट्रिक प्लांट भी विजिट किया, बहुत फैबुलसली ये लोग काम कर रहे हैं, अमेजिंग टीम वर्क है। और जितनी स्पीड से ये लोग बसेस बनाते हैं, जो उन्होंने मुझे बताया कि विद इन अ वीक ये 10 बसेस तैयार कर देते हैं नॉर्मल, और 8 बसेस आप इलेक्ट्रिक भी बना देते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रा है इनका। एंड थैंक यू सो मच हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपका हमने प्लांट इतने अच्छे से विजिट किया, थैंक यू सो मच सर। चलिए हम सबकी तरफ से बाय। I've got that appetite.